आज योग दिवस है तो योग पर ही कुछ खास। उम्र की जिस ढलान पर लोग आराम फरमाते हों या फिर रोगों से लड़ रहे होते हैं, उस दौर में 70 साल का एक शख्स ऐसा भी है जो अपनी योग शक्ति से सभी को चौंका देता है। सूर्योदय के साथ घर से निकले ये जनाब योग के ऐसे खिलाड़ी हैं जो करो योग और रहो निरोग का संदेश इस दुनिया को बांट रहे हैं। वाकई 70 साल का ये नौजवान उम्र के आगे हारने को तैयार ही नहीं। ये शख्स देता है उम्र की परेशानियों को सीधी चुनौती। जी हां, बात नरसिंहपुर जिले के करेली तहसील के शख्स प्रकाश पेटिया की, जिन्हें कोई कहता है रबरमैन तो कोई योगी। कभी अल सुबह शहर की सड़कों पर इनकी साइकिल सवारी लोगों को अचरज में डाल देती है तो कभी योगासन करते देख आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हाथ छोड़कर ये साइकिल पर व्यायाम करते हैं जो लोगों को किसी अजूबे से कम ना लगता। पेटिया जी हमारे जिले की शान है, हमारे जिले का गौरव है। आज 72 साल की उम्र में भी वो योग प्राणायाम करते हैं और हम लोगों को उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता है और उनकी एक अद्भुत उनमें जो कला है वो साइकिल चलाते हैं। 70 साल की उम्र और दिल की धड़कन रोक देने वाले अंदाज, सड़कों पर दोनों हाथ छोड़ साइकिल चलाते प्रकाश अपने ही अंदाज में लोगों को योग का पाठ पढ़ाते हैं। वे कोई कर्तव्य नहीं बताते बल्कि साइकिल चलाने के दौरान शारीरिक संतुलन और योग का अद्भुत नजारा पेश करते हैं। साइकिल पर इनका दिलकश और मस्ताना अंदाज लोगों को प्रेरणा देता है। यही जिंदा दिली है जिसकी वजह से ये कभी अपने आप को उम्रदराज मानते ही नहीं। साइकिलिंग के दौरान लोगों के तरह तरह के ताने इन्हें सुनने मिले लेकिन इससे इन्हें कोई फर्क ना पड़ा। इनका साफ कहना है कि मस्ती में जीने का अपना ही मजा। 70 की उम्र में रबरमैन पेटिया का हौसला वाकई काबिले तारीफ है। मेरा संदेश बुजुर्गों के लिए विशेषकर है, नौजवान तो भी बहुत उम्र रहे उनकी सारी चीजें हैं। हम दोनों पति पत्नी सुबह 5 बजे उठ के और ये नित्यक्रियाओं में हमारी ये शामिल है। इसको आप योगा कहें, प्राणायाम कहें क्या, ये है जो हम लोग अपने समय के अनुसार इसको आगे पीछे भी करते रहते हैं। हमारा शुरू से मतलब साइकिल के प्रति मेरा बड़ा रुझान था, उसके धीरे धीरे करते करते मतलब चलाने के लिए उससे फिर हमने हाथ छोड़ के एक्सरसाइज करना धीरे धीरे शुरू किया और जो लोगों की प्रेज मिली, लोग कह रहे थे वाह, तो कमेंट्स भी बड़े बड़े अच्छे मिलते हैं, कुछ ऐसे भी मिलते हैं जो चोट तो नहीं लगती मगर बुरा लगता है, बुढ़ा जवानी सीख रहा है, इस तरह से कमेंट भी देते हैं, लोग प्रेज भी करते हैं कि वाह यार इस उम्र में ऐसा हो रहा है। वो प्रशंसा ही बड़ी हमको इस सफलता की ओर ले जाती है। पत्नी भी पति के इस अंदाज से खुश है। उनका चमकता चेहरा साफ जाहिर करता है कि मुश्किलों का जिंदगी में कोई स्थान नहीं। पेटिया जी की पत्नी पहले साइकिल पर योग से थोड़ा डरती थी लेकिन अब उन्हें लगता है कि उनकी पति की यह एक शानदार पहचान है। नहीं, डर अभी तो नहीं लगता, पहले लगता था, परंतु अब देखते हैं डेली करते करते अब उनकी इतनी ज़्यादा लचीलापन आ गया है शरीर में कि चाहे जैसे तरीके से वो मोड़ लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं, उतना खेतों में काम कर लेते हैं और सब ये योग प्राणायाम आसन की वजह से ही उनके शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। वाकई योग गुरु पेटिया जी की जीवन शैली और अंदाज काबिले तारीफ है और प्रेरणा देने वाला भी। आइए हम भी इस मुश्किल भरी जिंदगी में चंद पल अपने लिए निकालें और जीवन को सही मायने दें और हाँ, योग करें, स्वस्थ रहें।